नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति किताब का नौवां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इस अध्याय में हम राजस्थानी भाषा व साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 1913 ईस्वी में उद्योतन सूर्य द्वारा लिखित कुवलयमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मुरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाडौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। तो सबसे पहले है राजस्थानी भाषा का उल्लेख 1835 विक्रम संवत या 1913 ईस्वी में उद्योतन सूर्य की किताब कुवलयमाला में मिलता है, जिसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया गया था। और राजस्थानी शब्द का प्रयोग है इस भाषा के लिए सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया था। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोली जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11वीं-12वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। लौकिक संस्कृत में जब दुरुता आने लगी तो उसका स्थान पाली भाषा ने लिया, और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। तो भाषाओं का विकास है वो कठिनता से सरलता की ओर होता है, और इसी कड़ी में लौकिक वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, उसके बाद पाली, पाली से प्राकृत और प्राकृत से अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शेरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश तथा मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। इन सब में से मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएँ हैं। अब क्षेत्रीय बोलियाँ। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी की बोलियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहली है पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, भागड़ी व शेखावाटी को सम्मिलित किया गया है, और दूसरी है पूर्वी राजस्थानी, जिसमें ढूंढाड़ी, हाडौती, मेवाती, अहिरवाटी या राठी बोली को सम्मिलित किया गया है। राजस्थान की प्रमुख बोलियां, सबसे पहले मारवाड़ी। पहली है मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा, और इस क्षेत्र की बोली को मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण और साहित्य सृजन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है कि इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी
माना जाता रहा। प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया है। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली तथा शेखावाटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंधित हैं। थली और गोडवाड़ी बोलियां इसकी उप बोली है। मारवाड़ी की दो बोलियां हैं, जो थली व गोडवाड़ी है। अगली है मेवाड़ी। अब है मेवाड़ी। राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी का क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ है। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद तथा भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी तथा मैदानों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। ढूंढाड़ी। राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता छः शब्द का प्रयोग होता है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचाल आदि इसकी उपबोलियां हैं। तो ढूंढाड़ी में छह शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है, जो गुजराती का प्रभाव इंगित करता है, यानी गुजराती के प्रभाव का संकेत देता है। अब है हाडोती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाडोती बोली का क्षेत्र माना है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह छह शब्द का प्रयोग किया जाता है। आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां का क्षेत्र हाडोती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। अगली बोली है मेवाती। मेव जाति का आदि के होने से अलवर, भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यानी मेवाती जो शैली है वो मेव जाति का अधिक के होने के कारण इसका नामकरण पड़ा है और इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वागड़ी। राजस्थान में वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अगली है मालवी। प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थानी की भी उपबोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रागड़ी और निमाड़ी इस बोली की उपबोली है। तो मालवी है ये मालवा प्रदेश जो मध्य प्रदेश का भाग है, वहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है और विशेष तौर से प्रतापगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में इस भाषा का ज़्यादा प्रचलन है। शेखावाटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावाटी कहलाया है। इस क्षेत्र की बोली को शेखावाटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। भीली और अन्य पहाड़ी बोलियां। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए हैं। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, ग्रासी आदि प्रमुख हैं। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियां निवास करती हैं, उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं बोलियों द्वारा ही होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य का इतिहास एवं
परंपरा राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक साहित्य हमें अभिलेखीय सामग्री के रूप में मिलता है, जिसमें शिलालेख अभिलेखों सिक्कों तथा मोहरों में जो साहित्य उत्कीर्ण है उस साहित्य को अभिलेखीय साहित्य कहा जा सकता है। यद्यपि यह सामग्री अत्यल्प मात्रा में उपलब्ध होती है, यानी बिल्कुल कम मात्रा में ये अभिलेखीय साहित्य मिले हैं, लेकिन जितनी भी सामग्री उपलब्ध होती है उसका साहित्य का ऐतिहासिक महत्व है। राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता के विशेषता को लिए रहा है, जिसे लोक साहित्य कहा गया है। यह साहित्य लोक के अनुभव का अक्षय भंडार रहा, जहाँ विविध विधाओं में साहित्य हमें सवर्ण परंपरा से प्राप्त होता रहा। राजस्थानी साहित्य की इतिहास परंपरा को हम निम्न रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। काल परक, प्राचीन काल, प्रवृत्ति परक, वीर गाथा काल। प्राचीन काल जिसे वीर गाथा काल हम कह सकते हैं, यह है 1050 से 1550 ईस्वी। पूर्व मध्य काल, भक्ति काल जो है 1450 से 1650 ईस्वी। उत्तर मध्य काल, श्रृंगार रीति एवं नीति प्रकाल जो 1650 से 1850 ईस्वी तक। और आधुनिक काल है वो विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त है जो 1850 ईस्वी से अद्यतन यानी अभी तक चल रहा है। प्राचीन काल जिसे हम वीर गाथा काल भी कह सकते हैं जो 1050 से 1550 ईस्वी तक का समय है। भारतवर्ष पर निरंतर होने वाले हमले पश्चिम दिशा से हो रहे थे, इनका अत्यधिक प्रभाव राजस्थान प्रदेश पर पड़ रहा था और यहाँ के शासकों को संघर्ष करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की भावना को बनाए रखने के लिए तथा समाज में वीर नायकों के आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया। इस काल में वीरता प्रदान काव्यों की प्रमुखता के कारण ही इस काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया है। इस काल की महत्वपूर्ण रचना श्रीधर व्यास की रणमल छंद है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखनीय रही हैं। पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल जो 1450 से 1650 ईस्वी तक का समय है। राजस्थान के इतिहास में संघर्ष का लंबा इतिहास रहा तथा इन युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। संघर्षों के आधार के रूप में साम्राज्य विस्तार के साथ साथ धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति भी दिखाई दी। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से मुक्त होने तथा समस्त प्रकार के विभेदों को मिटाने के लिए जन सामान्य भक्ति की ओर प्रवृत्त होने लगा और ऐसे समय में कई संतों और भक्तों ने जन सामान्य को सही राय दिखाई तथा अपनी कलम से समाज में सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाते हुए सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने का प्रयास किया। इन संतों तथा भक्तों की रचनाओं की अधिकता के कारण इस काल को भक्ति काल नाम दिया गया। इस काल में विभिन्न संतों और उनके द्वारा प्रवृत्त संप्रदाय ने लोक में अपनी गहरी पेट बनाई और लोगों ने उनके मार्ग का अनुसरण किया। ऐसे संप्रदाय में राम सनेही, दादू पंत, नाथ पंत, अलखिया संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय आदि प्रमुख हैं। इन संप्रदायों ने नाम स्मरण का महत्व, निर्गुण उपासना पर बल, गुरु की महत्ता पर बल देते हुए जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए कहा, जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होए। इनके साथ सगुण भक्त कवियों ने भी अपने आराध्य देवों की वंदना एवं महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। इस प्रकार की रचनाओं में भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ की, वेली किशन रुक्मणिरी, माधोदास ददवाड़िया की, राम रसो ईश्वरदास की, हरिस और देवियाण सायाजी झूला की, नागदमन इस क्रम की प्रमुख रचनाएं हैं। उत्तर मध्यकाल, श्रृंगार रीति एवं नीति प्रकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। राजस्थानी साहित्य उत्तर मध्यकाल का साहित्य के विविध विषयों से युक्त रहा। इस काल में राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल रहा। शासकों ने अपने राज्य में कलाकारों और साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने साहित्य और कला के विविध आयामों का विकास किया। इस काल में श्रृंगार रीति, काव्य शास्त्रों तथा नीति से संबंधित रचनाएं प्रस्तुत की गई।
लोक में प्रचलित प्रेमाख्यानों को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया। काव्य शास्त्र से संबंधित रचनाओं में छवि मंसाराम ने रघुनाथ रूपक प्रस्तुत किया तथा संबोधन परक नीति कारकों में राजियारा सोरटा, चक्रियारा सोरटा, भेरियारा सोरटा, मोतियारा सोरटा आदि रचनाएं प्रमुख हैं। आधुनिक काल विविध विषयों एवं विधाओं से युक्त 1850 से अद्यतन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले संग्राम सन 1857 के पश्चात समाज में नवीन चेतना का संचार हुआ, जिसका व्यापक असर समाज के सभी वर्गों पर पड़ा और साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा। और साहित्य में आधुनिक चेतना का संचार हुआ, जिसे साहित्य में आधुनिक काल का नाम दिया गया। राजस्थानी साहित्य में चेतना का संकनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्र ने किया, जिस क्रांतिकारी विचारों से समाज में चेतना जागृत हुई तथा इस चेतना को आगे की पीढ़ियों के साहित्यकारों ने जगाए रखा, जिसका सुखद परिणाम हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुआ। आधुनिक राजस्थानी के साहित्य की गद्य और पद्य विधाओं में प्रचुर साहित्यिक सामग्री का सृजन हो रहा है और उस साहित्यिक सामग्री के आधार पर राजस्थानी साहित्य की परंपरा अत्यंत सुदृढ़ तथा महत्वपूर्ण है। राजस्थानी गद्य पद्य की विशिष्ट शैलियाँ ख्यात देसी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवा कर संचित किया है। यह इतिहास ख्यात कहलाता है, जैसे दयाल दासरी ख्यात में बीकानेर के राव बीकाजी से लेकर महाराजा अनूप सिंह तक का इतिहास संचित है। मोहनोत नैणसी द्वारा रचित मोहनोत नैणसी ख्यात इस परम्परा की विशिष्ट रचना है। वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना वचनिका शब्द एक काव्य विद्या के रूप में साहित्य में प्रचलित हुआ। वचनिका एक ऐसी तुकांत गद्य पद्य रचना है जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके अपवाद भी मिलते हैं। राजस्थानी भाषा के दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में शिवदास गाड़स कृत अचलदास खींचीरी वचनिका तथा खींचिया जगारी कही राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका प्रमुख हैं। दवावेत दवावेत कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही है। वचनिका राजस्थानी में लिखी होती है किंतु दवावेत उर्दू और फारसी के शब्दों से युक्त होती हैं। इनमें कथा के नायक का गुणगान राज्य वैभव युद्ध आखेट नक्षिक आदि का वर्णन तुकांत और प्रवाह युक्त होता है। अखमाल देवड़ारी दवावेत महाराणा जवान सिंगरी दवावेत राजा जय सिंगरी दवावेत आदि प्रमुख दवावेत ग्रंथ हैं। वात कहानी की तरह वात कहने और सुनने की विशेष विधा है। कथा कहने वाला कहता चलता है और सुनने वाला हुंकारा बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग, जिससे कथाकार को लगे कि श्रोता रुचि ले रहे हैं, देता रहता है। इन वातों में जीवन के हर पक्ष युद्ध धर्म दर्शन मनोरंजन पर प्रकाश डाला गया है। गद्य में पद्य में तीनों रूपों में बातें मिलती हैं। राव अमर सिंह जीरी वात, खींचियारी वात, बाबू जीरी वात, कानड़ देरी वात, अचलदास खींचीरी वात आदि प्रमुख वाते हैं। जमाल राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें पहले पूरा दोहा फिर पांचवे चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। राव इंद्र सिंह री जमाल प्रसिद्ध हैं। झूलना राजस्थानी काव्य का मात्रिक छंद है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है। अमर सिंह राठौड़ रा झूलना, राजा गज सिंह रा झूलना, राव सुरतान देवड़े रा झूलना आदि प्रमुख झूलना रचनाएं हैं। परची संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पद्यबद्ध रचना में मिलता है उससे परची कहा गया है। संत नामदेव री परची, कबीर री परची, संत रैदास री परची, संत पीपारी परची, संत दादू री परची, मीराबाई री परची आदि प्रमुख परची रचनाएं हैं। प्रकाश किसी भाषा अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा गया है। किशोरदास का राज प्रकाश, आशिया मान सिंह का महायश प्रकाश, कवि या करणिदान का सूरज प्रकाश आदि प्रमुख प्रकाश ग्रंथ हैं।
मरिचिया राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए मरिचिया काव्यों की रचना की गई। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों के अतिरिक्त अन्य महान कार्यों का वर्णन भी किया जाता है। राणा जगपतरा मरिचिया मेवाड़ महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। रासो मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति विजय युद्ध वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे रासो कहते हैं। रासो ग्रंथों में चंद्रवरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नहाल का विशलदेव रासो, गिरधर आस्य का सगत रासो, दौलत विजय का कुमाण रासो, कुंभकर्ण का रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो प्रमुख हैं। तो ये रासों की कुछ रचनाएं हैं। रूपक किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष के उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। गजगुण रूपक, रूपक गोगा देजीरो, राज रूपक आदि प्रमुख रूपक काव्य हैं। विगत विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसमें इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के क्षेत्र, प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन मिलता है। विगत में उपलब्ध आंकड़े आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी रहे हैं। मोहनोत्नयन से की मारवाड़ प्रगनारी विगत में प्रत्येक प्रगने की आबादी, रेख, भूमि, किस्म, फसलों का हाल, सिंचाई के साधन आदि की जानकारियां प्राप्त होती है। वेली वेली ग्रंथ वेली छंद में लिखे हुए हैं। इनके विविध विषय रहे हैं जो धार्मिक ऐतिहासिक रहे हैं। दईदास जेतावत्री वेली, रतन सी खीवावत्री वेली तथा राव रतनरी वेली प्रमुख वेली ग्रंथ हैं। वेली परंपरा की प्रमुख रचना पृथ्वीराज राठौड़ की लिखी हुई वेली किशन रुकमणिरी है। साखी साखी साक्षी शब्द से बना है। साखी परक रचनाओं में संत कवियों ने अपने द्वारा अनुभव किए गए ज्ञान का वर्णन किया गया है। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीर की साखियां प्रसिद्ध हैं। सिलोका सिलोका साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं, इसलिए ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जन तक पहुँचाते हैं। राव अमर सिंह रासिलोका, अजमाल जीरा सिलोको, राठौड़ कुशल सिंह रोशिलो को, भाटी केसर सिंह रोशिलो को आदि प्रमुख सिलों के हैं। आधुनिक राजस्थानी साहित्य है। मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास तथा बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाज दान कविया और शंकरदान सामोर का भी नाम लिया जाना जरूरी है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से ही नहीं अपितु विचार से सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और यथापरक दृष्टिकोण आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उम्रदान की कविताओं में संवत 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। साथ ही पाखंडी साधुओं को बेनकाब किया गया। रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया। केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पतिक, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, माणिकलाल वर्मा, जन कवि गणेशी लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इसमें से गणेशी लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद के अपने मोह भंग को भी कविताओं में प्रखर रूप से प्रकट किया। रेवत दान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमजन को जगाने काम करती है। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेंधणी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी। सत्य प्रकाश जोशी अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग ही स्थान रखते हैं। 1960 में प्रकाशित उनकी काव्य कृति राधा इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहां आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरवगान करती है वहीं जोशी अपनी नायिका राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर के भयंकर युद्ध टाल दे युद्ध के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कन्हैयालाल सेठिया जिनके गीत धरती दोहरारी को तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को भी जगा दे।
ऐसी क्षमता रखती है। मिंजर और लीलटांस शेठिया जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलम भौम, जानकारी, ओलमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी एक, हेलो, दीट, चामल, अपरंच जैसी अनेक साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी और इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रहे थे। यही वह समय था जब पारस अरोड़ा की जुआड़, गोर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कटई की वैगो है, मणि मधुकर की सोजती गेट, पग फेरो, हरीश भादाणी की बोले शरणाटो, बाथा में भूगोल, चंद्र प्रकाश देवल की पागी, कावड़ मारण, अर्जुन देव चारण की रिंद्रोही, मालचंद तिवाड़ी की उत्तरियो है आबो आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी। मांझल रात, अमोलक वाता, मुमड़, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात आदि। विजय दान देता ने अपनी बातारी फुलवारी तेरे खंड श्रृंखला में राजस्थान के यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ ऐसा अनूठा संकलन किया कि उन्हें खूब प्रसिद्धि मिली। विजय दान देता के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं दुविधा, उलझन, अलेखू, हिटलर, सपन, प्रिया, अंतराल आदि। दुविधा नामक विजय दान देता की कृति पर तो पहेली नामक फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। इनकी कृति चौधराइन की चतुराई को भी बेहद पसंद किया। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियां उन्हें संग्रहों जमारू समंदर अर्थार में संग्रहित हैं और उनके कुछ उपन्यास हैं हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी आदि। इसी प्रकार नतमल जोशी के कहानी संग्रह परण्योड़ी कंवारी तथा उपन्यास आबे पटकी, धोरा रो धोरी, एक बीननी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राज पुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दयाल श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा सांवर दैया आदि प्रमुख है। साहित्यिक पत्रकारिता राजस्थानी की साहित्यिक पत्रकारिता का वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्यिक लघु व नियतकालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को ही गति प्रदान करने के साथ ही हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया। बीकानेर की वातायन हरीश भादाणी, अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की और विजेंद्र, कांकरोली की संबोधन कमर मेवाड़ी, अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्र भानु भारद्वाज, मधु माधवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थानी साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमति ने भी राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान दिया। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर की जागती ज्योत के अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पना कांत की ओलियों, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी प्रमुख है। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है। सच्चाई ये है कि राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है कि उसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा में संभव नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने 9वें अध्याय को समझा। अगले वीडियो में अगला अध्याय पढ़ेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।